हाय गाइस, माय सेल्फ मनीषा। पहचानने में नहीं आ रही हूँ। हाँ, थोड़ा सा मैंने ज़्यादा ही कुछ ऑयल लगा लिया आज, हेयर ऑयल। सोचा कुछ टाइम मिला है तो अपने लिए भी कुछ कर लूँ। हमेशा हम दौड़ते भागते रहते हैं सबके पीछे। कभी किसी का कुछ रह जाता है, कभी किसी का कुछ रह जाता है, कभी कोई ऑर्डर पूरा करना है, कभी घर में ये चाहिए, कभी बच्चों को कुछ चाहिए, कभी किसी को कुछ चाहिए। हम हर तरफ जिम्मेदारियां ही निभाते रह जाते हैं, खुद के लिए वक्त ही नहीं निकाल पाते। एक तरह से हम सब मशीन की ज़िंदगी जीने के आदि हो गए हैं। और आज जब इस मशीन को घर में बैठने को बोला गया है तो हम में से कि सबको कन्फ्यूजन हो रहा है कि हम करें क्या घर में बैठ के। एक बार के लिए अगर हम ये रीज़न साइड कर दें कि ये वक्त हमें मिला क्यों है, जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया कि अगर हम उस बारे में सोचेंगे तो हम उसी चीज़ को ट्रिगर करेंगे और वो चीज़ और बढ़ेगी। सो लेट्स कीप इट आउट ऑफ दिस। इसके बारे में नहीं सोचते हुए हम सोचते हैं कि हमें वक्त मिला तो है, किस लिए मिला है? अपने साथ बिताने के लिए, अपने घर वालों के साथ बिताने के लिए, खुद के लिए मिला है। जो हम हमेशा सोचते काश एक दिन आएगा मैं ये करूँगी, आश वो होगा मैं ये करूँगी, आज टाइम आया है तो हम इतने परेशान क्यों हैं? हमारी परेशानी से क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? क्या हमारी चिंता करने से सॉल्यूशन निकल जाएगा? नहीं। जितना हम उसको पॉजिटिव थॉट्स का पुश देंगे उतना जल्दी ही रिजल्ट निकलेगा। प्रेयर्स कर सकते हैं, अपने आप को बिज़ी रख सकते हैं ताकि हम उस बारे में ना सोचें। आज टाइम मिला है तो अपनों के साथ बिताइए। सिर्फ क्वालिटी वाला नहीं, क्वांटिटी वाला टाइम भी मिला है। सो क्वांटिटी वाला क्वालिटी टाइम और क्वालिटी वाला क्वांटिटी टाइम दोनों हैं आपके पास। सो गाइस, स्टे सेफ, स्टे एट होम, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।